जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे कैडेट्स के डेली रूटीन के बारे में, जिससे कि एक नॉर्मल सिविलियन को एयरफोर्स के बेहतरीन पायलट और बेहतरीन ऑफिसर बनाते हैं। एकेडमी में सभी कैडेट्स सूरज उगने से पहले सुबह 3 बजे तक अपने बिस्तर से उठ जाते हैं और फिर वे अपने जनरल रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे कि शेव करना, ब्रश करना, कपड़ा धोना, नहाना, कपड़ा प्रेस करना तथा पीटी क्लास के लिए रेडी होना। पीटी क्लासेस में सभी व्हाइट टी शर्ट, व्हाइट शॉर्ट और व्हाइट शूज पहन के जाते हैं। पीटी क्लासेस सुबह के 4 बजे शुरू होते हैं और ये लगभग सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक होते हैं, और इसीलिए सभी कैडेट सुबह के 4 बजे मैदान में पीटी क्लासेस के लिए रिपोर्ट करते हैं, जहां कैडेट्स को हेल्थ रन तथा कई तरह की कठिन एक्सरसाइज का सामना करना पड़ता है। इसके बाद सभी कैडेट सुबह के 5 बजे डेली ड्रिल के लिए परेड ग्राउंड में रिपोर्ट करते हैं। इस बीच कैडेट्स को 5 से 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें वे अपने स्क्वाड्रन ऑफिस जाकर शावर तथा ड्रिल यूनिफॉर्म चेंज करके आ सकते हैं, जहां ड्रिल उस्ताद कैडेट्स को ड्रिल सिखाते हैं, जिसमें कैडेट्स को स्पीड, टाइमिंग और इंटेंसिटी के बारे में काफी बारीकी से सिखाया जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें ड्रिल की मूलभूत इकाई हैं, और ये लगभग 7:30 बजे तक होते हैं। इसके बाद कैडेट्स को आधा घंटा का टाइम मिलता है, जिसमें उन्हें नहाना, ड्रेस चेंज करना और एक निश्चित समय में मेस में जाकर ब्रेकफास्ट करना होता है। एक अलाउ किए गए निश्चित समय में ही सारे कैडेट्स को ब्रेकफास्ट खत्म करना होता है, क्योंकि फिर वे 8 बजे एकेडमिक क्लासेस के लिए अपने अपने फैकल्टी में जाते हैं और एकेडमिक क्लासेस लगातार 2 बजे तक अटेंड करते हैं। कैडेट्स के लिए यही एक समय होता है जिसमें सभी रिलैक्स और कूल फील करते हैं। कुछ के लिए कठिन भी होते हैं, क्योंकि सुबह के ट्रेनिंग में कठिन शारीरिक परिश्रम करने के बाद क्लास करना काफी मुश्किल हो जाता है। फिर एकेडमी में दिन बिताते बिताते सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एक नॉर्मल सिविलियन एयरफोर्स के बेहतरीन पायलट और बेहतरीन ऑफिसर बनते हैं। दो बजे आप एकेडमिक क्लासेस से रूम आते हैं, फिर आपको ड्रेस चेंज करने के बाद मेस में जाकर लंच करना होता है। लंच करने के बाद सभी अपने अपने रूम में जाते हैं, फिर आपको अपने बचे हुए काम या अगर कोई पनिशमेंट मिला है तो उससे करना होता है। इसके बाद सभी 4 बजे फिजिकल एक्टिविटी और गेम सेशन के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर गेम सेशन के लिए मैदान में रिपोर्ट करते हैं। एयरफोर्स एकेडमी में कई तरह के गेम खेले जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस इत्यादि। कैडेट्स 6 बजे फिजिकल एक्टिविटी और गेम सेशन से लौटने के बाद रिफ्रेशमेंट के लिए जाते हैं, क्योंकि इतने सारी गेम प्रैक्टिस के बाद रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके बाद सभी कैडेट्स के पास थोड़ा पर्सनल टाइम होता है और ये लगभग 6 से 7 बजे तक होते हैं, जिसमें ज्यादातर कैडेट्स जिम, लाइब्रेरी और पीसीओ बूथ में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर कैडेट्स का 7 बजे से सेल्फ स्टडी का टाइम हो जाता है और वे इस समय नोट्स बनाते हैं या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू पढ़ाई करनी होती है अपने आने वाले एग्जाम के लिए। अगर कोई कैडेट्स पढ़ाई न करते हुए पकड़ा जाता है तो उन्हें पनिश किया जाता है, और ये स्टडी टाइम 7 बजे से लगभग 8:15 तक होती है। फिर सभी कैडेट्स 8:15 को स्क्वाड्रन ऑफिस में फॉल इन करते हैं। इसके बाद 8:30 बजे सभी कैडेट्स डिनर के लिए जाते हैं, और डिनर के बाद 9 बजे से कैडेट का नाइट मास्टर होता है, जहां से फॉल इन होने के बाद उनकी काउंटिंग होती है। फिर फाइनली 10 बजे से ऑफिशियली लाइट ऑफ हो जाती है और 10 बजते ही सभी कैडेट्स लेटे लेटे सो जाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से एयरफोर्स एकेडमी में कैडेट्स का डेली रूटीन होता है।
आई होप कि वीडियो देखने के बाद आपको एक एयरफोर्स कैडेट्स के डेली रूटीन का आइडिया लग गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।